Hello friends, I hope you all are doing well. So let's proceed with the following topic. So आज हम लोग buffer solution पढ़ेंगे. तो buffer solution की जैसे definition है कि buffer solution वो solution है जिसका pH practically unchanged रहता है. अगर आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस की डालें, दैट इज बफर सॉल्यूशन प्रैक्टिकल. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइड के डायग्राम में शो किया है कि वाटर दो सॉल्यूशन लिए, एक वाटर और एक बफर सॉल्यूशन. वाटर का पीएच 7 है ओरिजिनली. जब इसमें थोड़ा एसिड यानी एच प्लस आयंस डाले गए तो पीएच हो गया 4 यानी कम हो गया पीएच. और जब इसमें ओएच आयंस डाले गए तो पीएच हो गया 10. दिस इज अ नॉन बफर लिक्विड. जबकि दूसरा है एक बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच भी 7 है. जब उसमें एच प्लस आयंस ऐड किए गए एक्सेस हो गया तो उसका पीएच हो गया 6.9 विच इज ऑल्सो 7. और जब उसमें ओएच आयंस की एक्सेस करी गई तो उसका पीएच हो गया 7.1 विच इज ऑल्सो 7. तो यानी कि पीएच में कोई रिमार्केबल नोटिसेबल चेंज नहीं आता है. पीएच रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड. ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन में दो कैटेगरीज हैं. एक तो सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, यानी एक ही सब्सटेंस जो कि बफर की तरह एक्ट करे. ये वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट होता है. और दूसरा मिक्सचर जो बफर की तरह एक्ट करें. ज्यादा एप्लीकेशन वैसे सेकंड कैटेगरी का है जो मिक्सचर्स बफर की तरह एक्ट करते हैं. ये दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर. तो अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी थी सिंगल बफर की, जिसमें एक ही कंपाउंड बफर की तरह एक्ट करता है. तो ये था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस. तो इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया है वो लिया है अमोनियम एसीटेट का. अमोनियम एसीटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी CH3COOH और NH4OH से मिलकर बनने वाला सॉल्ट अमोनियम एसीटेट है. तो देखते हैं ये बफर की तरह कैसे एक्ट करता है. क्योंकि अमोनियम एसीटेट एक सॉल्ट है और सारे सॉल्ट्स एक्वस मीडियम में वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो अमोनियम एसीटेट भी पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा. एसीटेट आयन CH3COO- और अमोनियम आयन NH4+ में. जब आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला, यानी आपने H+ आयन्स की एक्सेस कर दी, तो एसीटेट आयंस H+ आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनेंगे. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि फीबली डिसोसिएबल है, बहुत ही कम वियोजित होता है. तो इसका मतलब H+ आयंस की वजह से पीएच में होने वाला कोई चेंज नहीं होगा. इसी तरीके से जब आपने OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो NH4+ OH- के साथ कंबाइन करके NH4OH बना लेगा. NH4OH एक वीक बेस है जो कि वीकली डिसोसिएबल है, बहुत कम वियोजित होता है और इसलिए मीडियम में OH आयंस की वजह से होने वाले पीएच में चेंज नहीं शो होगा. इसलिए सिंगल बफर अमोनियम एसीटेट एक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच प्रैक्टिकली अनचेंज्ड रहता है. नाउ जो मिक्सचर बफर की तरह एक्ट करते हैं उनमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एसिडिक बफर का. एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनने वाले सॉल्ट के मिक्सचर के साथ. तो वीक एसिड और सॉल्ट के मिक्सचर का एग्जांपल मैंने लिया है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है CH3COOH, और उस एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलकर बनने वाले सॉल्ट को मैंने लिया है सोडियम एसीटेट जो कि है CH3COONA, यानी ये बना है एसिटिक एसिड CH3COOH और NaOH के मिक्सचर से. क्योंकि ये एक सॉल्ट है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और पूरी तरीके से एसीटेट आयन और सोडियम आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा.
लेकिन एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसलिए ये वीकली डिसोसिएबल, फीबली डिसोसिएबल है, बहुत कम वियोजित होगा, इसलिए ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही सॉल्यूशन में रहेगा। दूसरी बात, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एसिटेट आयन दोनों में ही कॉमन है, तो लेकिन सॉल्ट तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन जो पहले से ही कम था वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम हो जाएगा, तो वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर ही रहेगा। अब आपने एसिड जैसे ही ऐड किया इस बफर में, तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बफर में बढ़ गई, तो जो एसिटेट आयन जो सॉल्ट की मौजूदगी की वजह से वहां पे अधिकता में है, वो एच प्लस के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेंगे। एसिटिक एसिड वीकली डिसोसिएबल है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन में एच प्लस आयन की वजह से पीएच में होने वाले चेंज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और पीएच में प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं होगा। अब आपने मीडियम में OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, यानी आपने कोई भी बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला मीडियम में, तो एसिटिक एसिड जो कि मीडियम में अनडिसोसिएबल पड़ा है, वो एसिटिक एसिड OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा और एसिटेट आयन और वाटर बना देगा, तो फिर मीडियम में OH माइनस की वजह से होने वाला पीएच चेंज नोटिसेबल नहीं होगा, क्योंकि OH माइनस आयंस मीडियम में है ही नहीं, इस वजह से प्रैक्टिकली अनचेंज्ड सॉल्यूशन शो होगा ये, और ये एक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एसिड और उसके सॉल्ट से मिलके बना है, इसलिए ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशंस हैं उनके लिए हेंडरसन इक्वेशन प्रपोज करी गई है पीएच निकालने के लिए, क्योंकि ये एक एसिटिक बफर है, तो इसके लिए पीएच निकालना हेंडरसन ने एक इक्वेशन प्रपोज करी थी, वो इक्वेशन का डेरिवेशन भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक जनरलाइज्ड कॉम्बिनेशन मिक्सचर लिया है, जिसमें वीक एसिड है HA और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनने वाला है BA, ये मैंने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है। तो HA का डिसोसिएशन होगा H प्लस और A माइनस में, और BA एक सॉल्ट है तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा B प्लस और A माइनस में। HA का डिसोसिएशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन HA को हमने डिसोसिएबल यहाँ ये शो किया है, जितना भी हो रहा है डिसोसिएशन, वेरी लेस डिसोसिएशन, बट वो जो भी है। अब इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने वीक एसिड के डिसोसिएशन के लिए लगाया, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka के लिए फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए, यानी एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस। अब मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हमने ले लिया C1 मोल्स पर लीटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ले लिया C2 मोल्स पर लीटर, तो जो ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि एच ए बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और भी कम डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन में जितना भी ए माइनस मौजूद है वो सॉल्ट की वजह से मौजूद है, बी ए की वजह से मौजूद है, जिसको हम पहले ही ले चुके हैं C2 के बराबर। तो इस प्रकार से ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू के ए इंटू C1 अपॉन C2, C1 एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लिया जाए, तो लॉग एच प्लस इज इक्वल टू लॉग के ए प्लस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन एसिड अपॉन लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट हो जाएगी। माइनस ले लो पूरे में, तो उसके बाद माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू पी एच, माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए, और प्लस अगर सॉल्ट को ऊपर कर दें और एसिड को नीचे, तो साइन प्लस के बराबर हो जाएगा, तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एसिड। दिस इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो अब इसका जो मिक्सचर बफर का सेकेंड क्लासिफिकेशन का टाइप था, वो था बेसिक बफर। बेसिक बफर है वीक बेस, जैसे कि मैंने NH4OH लिया है,
और उस वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनने वाले सॉल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे NH4OH का HCl के साथ मैंने बनने वाले सॉल्ट NH4Cl को ले लिया है, तो मेरा बफर मिक्सचर, जो बेसिक बफर मिक्सचर बना, वो NH4OH और NH4Cl के साथ बना। अब इसका बफर एक्शन देख लेते हैं। NH4Cl क्योंकि एक सॉल्ट है तो वो कम्प्लीटली NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट होगा, लेकिन NH4OH एक वीक बेस है तो उसका डिसोसिएशन वियोजन पहले से ही पुअर है, और कॉमन आयन NH4 प्लस की वजह से उसका डिसोसिएशन और भी पुअर हो गया, तो इसलिए NH4OH का डिसोसिएशन बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। मैक्सिमम NH4OH सॉल्यूशन में NH4OH के रूप में ही मौजूद है। अब जब आपने OH आयंस यानी कोई और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जब आपने इस बफर में डाला, तो जो NH4 प्लस आयंस सॉल्ट की वजह से मौजूद थे वो फौरन OH माइनस आयंस को पकड़ लेंगे और NH4OH बना देंगे, तो pH में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला बफर में, तो NH4OH जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो H प्लस को कैच कर लेगा और NH4 प्लस और H2O वाटर बना देगा। इस प्रकार से जो H प्लस एसिड डालने की वजह से pH में चेंज आता वो भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिकली pH इस सॉल्यूशन का, इस मिक्सचर का अनचेंज रहेगा, इसलिए ये एक बफर है, और क्योंकि ये वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ मिलके बना है इसलिए ये एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। सो बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन डिराइव करना देखते हैं, जो कि उसके POH के लिए डेरिवेशन होगा, क्योंकि बेसिक बफर में हाइड्रोजन आयन है ही नहीं तो इसलिए pH नहीं कैलकुलेट हो पाएगी, POH कैलकुलेट होगी और उससे बाद में फिर pH कैलकुलेट करेंगे हम। नाउ इस pH के लिए हमने लिया है एक वीक बेस BOH और उसका सॉल्ट BA, जो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। लेट्स प्रोसीड विद द डेरिवेशन। सो BOH जो कि बहुत ही, क्योंकि वीक बेस है, बहुत कम डिसोसिएट होगा और कॉमन B प्लस आयन की वजह से उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, तो जो भी डिसोसिएशन होगा वो देखते हैं, दैट इज इन B प्लस एंड OH माइनस आयन। सॉल्ट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा B प्लस और A माइनस में। अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अगर इस वीक बेस पे अप्लाई किया जाए तो Kb जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला आएगा B प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। तो इस तरीके से OH माइनस आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आया Kb इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस। बेस की कॉन्सेंट्रेशन C1 मोल्स पर लीटर ले लें हम लोग, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन C2 मोल्स पर लीटर ले लें, क्योंकि सॉल्यूशन में जितना भी B प्लस मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की वजह से मौजूद है, तो इसलिए क्योंकि जो BOH एसिड की वजह से है वो तो बहुत कम है और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और भी कम हो जाएगा, so that is why B plus केवल C2 के बराबर है। इस तरीके से जो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा Kb into C1 upon C2। इसका इस इक्वेशन का अगर लॉग ले लिया जाए तो लॉग OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग Kb प्लस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। नेगेटिव लेने पे माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आई POH के बराबर, माइनस लॉग Kb है PKb के बराबर, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन भी इंटरचेंज हो जाएगा माइनस का प्लस में, तो फाइनल हेंडरसन इक्वेशन POH के लिए आई POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। और इसी से अगर आपको pH निकालनी है तो 14 में से POH को माइनस कर दिया जाए तो pH निकल जाएगी। दिस इज हाउ हेंडरसन इक्वेशन फॉर POH इज डिराइव्ड, और उस तरीके से फिर फाइनली इस बेसिक बफर का pH निकाल लिया जाएगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, देन शो मी योर सपोर्ट। See you in my next video.
Till then, stay safe and stay healthy. My name is Mahima, and thank you for watching. Bye-bye.